नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। द वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कर्नाटक भाजपा के एक विधायक का कहना है कि अगर वो गृह मंत्री होते तो सारे बुद्धिजीवियों को गोली मारने का आदेश दे देते। बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो कि विजयपुरा विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने कारगिल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही और साथ ही में देश के बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल्स को देशद्रोही भी करार दिया। और उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी इसी मुल्क में रहते हैं, हमारे द्वारा चुकाए गए रकम की कर से सारी सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं और फिर वे भारतीय सेना के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। भारत को ऐसे लोगों से खतरा है। इस बयान पर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और जेडीएस के ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की है और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी पिछले महीने एक वीडियो वायरल हुआ था, एक सामने आया था वीडियो जिसमें वो पार्षदों को ये कहते नज़र आ रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं का काम करना चाहिए, मुस्लिमों का काम नहीं करना चाहिए। और वीडियो में बासनगौड़ा जी पत्रकारों से ये भी कह रहे थे कि क्या हिंदुओं के पक्ष में बात करना गलत है। बुलेटिन की अगली खबर की अगर हम और चलें तो अलवर में पिछले हफ्ते गौश्त तस्कर के शक में, संदेह में एक युवक अकबर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। आयोग ने कहा कि बताया जा रहा है कि गौरक्षकों का आरोप है कि पीड़ित की मौत पुलिस हिरासत में हुई है, ना कि भीड़ हिंसा द्वारा, जैसा प्रशासन द्वारा भी बताया गया। प्रिंट मीडिया में ऐसी ही रिपोर्ट्स हैं जहां पे बताया गया है कि गंभीर रूप से घायल अकबर को नज़दीकी अस्पताल ले जाने में अलवर पुलिस को 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लग गए। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी कहा है कि पीड़ित के घायल होने के बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस की प्राथमिकता उसके पास मिली गायों को गौशाला पहुँचाने में थी। तो आयोग का मानना है कि अगर इन खबरों में सच्चाई है तो यह पीड़ित के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसी के अनुसार राजस्थान के प्रमुख सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजकर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। तो अभी इस मामले में जो इस तरह की खबरें आ रही थी उसमें भीड़ द्वारा हमले के साथ साथ पुलिस की लापरवाही का भी एक एंगल उभर के आ रहा था। बताया जा रहा था कि पुलिस ने 1 बजे जब उनको स्थान से ले लिया था तो 4 बजे क्यों अस्पताल पहुंची। ये 3 घंटे की जो देरी है पुलिस द्वारा जो की गई वो अभी भी सवालों के घेरे में है। और डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर वो अस्पताल पुलिस उनको समय पर ले आती तो उनकी जान को बचाया जा सकता था। मामले में पुलिस की लापरवाही उभर के सामने आने के बाद 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। हालांकि पुलिस ने इस पर जो अपना स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा है ये हिरासत में मौत का मामला नहीं है बल्कि निर्णय में जो त्रुटि के कारण ये घटना हुई है, इस तरह का बयान पुलिस ने दिया है। सबसे पहले पुलिस पे जो आरोप लगाया था वो भाजपा के स्थानीय विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने लगाया था। उनका कहना था कि पुलिस थाने ले जाने, अस्पताल ले जाने के बजाय अकबर को थाने ले गई, वहाँ पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। तो ये थी अलवर की अभी तक की अपडेट। बुलेटिन की अगली खबर पे अगर हम चलें तो गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जेनेटिक मॉडिफाइड यानी कि GM खाद्य पदार्थों को अवैध तरीके से भारत में बेचा जा रहा है। GM खाद्य पदार्थों को भारत में सरकारी मंजूरी के बिना नहीं बेचा जा सकता, ना ही इसका व्यापार किया जा सकता है। CSE ने भारतीय बाजारों में उपलब्ध 65 खाद्य पदार्थों का अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण किया जिसमें उन्होंने पाया 32% यानी कि 65 में से 21 खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो GM पॉजिटिव हैं। CSE ने टेस्ट करने के लिए इन खाद्य पदार्थों को दिल्ली NCR, पंजाब और गुजरात की खुदरा दुकानों से खरीदा था। ये भी बताया है इन 65 में से 35 ऐसे हैं जो बाहर से आयात किए जाते हैं, 30 का घरेलू रूप से उत्पादन किया जाता है। GM पॉजिटिव पाए गए उत्पादों में जो बच्चों के लिए भोजन, खाद्य तेल, स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। इसमें से अधिकतर चीज़ें जो हैं वो कनाडा, अमेरिका, नीदरलैंड, थाईलैंड जैसे देशों से आयात किया जाता है। CSE की जो निदेशक हैं सुनीता नारायण, वो बताती हैं कि किस तरह से GM खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि GM उत्पाद, खासकर खाने वाली चीज़ें, हमारी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि GM खाद्य पदार्थों में दूसरे जीवों के जीन यानी कि DNA को लेकर खाद्य फसलों में डाला जाता है और इस बात को लेकर चिंता है कि विदेशी DNA की वजह से विषाक्तता, एलर्जी, पोषण
कंजेशन और भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया है कि बिना जांच के दवा लिखना आपराधिक लापरवाही है। अदालत ने कहा कि मेडिकल पेशे से ऐसी लापरवाही करने वाले डॉक्टरों को बाहर निकालने से ऐसे डॉक्टरों का सम्मान रहेगा जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इस पेशे में जो भी नैतिक मूल्य हैं उनका पालन करते हैं। अदालत ने एक महिला मरीज की मौत के लिए मामले का सामना कर रहे डॉक्टर दंपति की जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसको खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। मरीज की मौत के बाद रत्नागिरी पुलिस ने डॉक्टरों पर IPC की धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। एक महिला को इस साल फरवरी में रत्नागिरी में इस आरोपी दंपति के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका सिजीरियन ऑपरेशन हुआ। उसने एक शिशु को जन्म दिया, 2 दिन बाद उसे छुट्टी दे दी गई। अगले दिन वो महिला बीमार हुई। उसके रिश्तेदार ने, ये जो डॉक्टर हैं दीपा पावस्कर, उनको इस बारे में बताया और उन्हें डॉक्टर ने दवा दुकान जाकर दुकानदार से बात कराने को कहा। हालांकि दवा लेने के बाद महिला की हालत ठीक नहीं हुई, उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीपा और संजीव पावस्कर महिला को भर्ती कराने के समय अस्पताल में नहीं थे। महिला की स्थिति लगातार बिगड़ने के बाद दूसरे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और दूसरे अस्पताल में पीड़िता के जो परिजनों को सूचित किया डॉक्टरों ने कि पावस्करों की ओर से, ये जो पावस्कर दंपति है उसकी ओर से ये ढिलाई हुई है, लापरवाही बरती गई है, उसके बाद इन दोनों पे मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले पे अदालत ने कह दिया है कि बिना डायग्नोसिस के ये जो लिख रहा है दवाई, ये आपराधिक लापरवाही है और कोर्ट ने डॉक्टरों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि 2 अगस्त तक के लिए अपने आदेश पर रोक लगा दी है ताकि आरोपी दंपति इसके खिलाफ अपील दायर कर सकें। अब बुलेटिन की आखिरी खबर की अगर हम और चलें तो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारी की मुंबई की एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई है। सरकारी नौकरियों में और शिक्षण स्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय की ओर से बुलाए गए बंद में बुधवार को नवी मुंबई के कोपर खैराना और कलमबोरी में हिंसा हुई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के पथराव से 8 अधिकारियों सहित करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा में पुलिस के 20 वाहनों सहित 150 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि हिंसक भीड़ के खिलाफ लाठी चार्ज किया गया और रबड़ और पैलेट गन के इस्तेमाल किए गए जिसके कारण 9 लोग घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर नवी मुंबई में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है जिससे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जा सके। नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के तेज होते ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे मराठा क्रांति मोर्चा ने बुधवार को मुंबई बंद का आह्वान किया है। महाराष्ट्र में ये जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक प्रदर्शनकारी की सोमवार को आत्महत्या कर लेने के बाद मंगलवार को ये आंदोलन शुरू हुआ। इसमें एक कांस्टेबल की भी मौत हुई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अब तक महाराष्ट्र के 5 विधायक भी इस्तीफा दे चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के सूत्रों ने बताया कि भरत भालके कांग्रेस से, राहुल अहेर भाजपा, दत्तात्रेय भारणे रांगपा, इन तीनों ने गुरुवार को विधायक के पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले बुधवार को शिवसेना के हर्षवर्धन जाधव और रांगपा के भाऊसाहब पाटिल चिकटगांवकर ने आरक्षण की मांग के समर्थन में इस्तीफा देने की पेशकश की थी। आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुद्दे पर विचार करने के लिए शनिवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए उनकी कैबिनेट की सहयोगी पंकज मुंडे ने गुरुवार को कहा कि यदि वे प्रभारी होती तो निर्णय लेने में विलंब नहीं करती। तो इन सारी खबरों को जाके आप द वायर की वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि, द वायर बुलेटिन में आज इतना ही। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।